1 नवंबर 2015 की रात साबुनपुरा स्थित पॉपुलर ट्रेवल्स के बाजू में सावजी होटल पर उमेश आठोले व उसके साथियों ने मिलकर हमला कर दिया था। यह बात जैसे ही पॉपुलर ट्रेवल्स के संचालक मुशीर आलम, तनवीर आलम व जिया खान को पता चली वो मदद हेतु होटल पर पहुंचे और सावजी होटल के संचालक को बचाया। लेकिन इसी बीच उमेश आठोले और उसके साथियों ने मुशीर आलम, तनवीर आलम पर भी हमला बोल दिया। इस हमले में मुशीर आलम की घटना स्थल पर ही हत्या कर दी गई थी और आठोले ग्रुप ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में तनवीर आलम भी घायल हुए थे। शहर का वातावरण गर्मा गया था और पुलिस प्रशासन ने इन हत्यारों को पकड़कर जेल रवाना कर दिया था। वर्ष 2015 से अमरावती न्यायालय में इस केस की सुनवाई जारी थी और 2 नवंबर को न्यायाधीश तिवारी ने संपूर्ण गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के साथ दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी उमेश अशोकराव आठोले, नीलेश भूरिया आठोले, दिनेश आठोले, शुभम जौनजाल, राजेश मांडवे सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तनवीर आलम द्वारा न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखने की जो बात उन्होंने कही थी वो सच साबित हुई। 1 नवंबर 2015 रात के समय 8 बजे के वक्त उमेश आठोले और उसके साथियों ने मेरे पड़ोस में सुरेश राजगुरे, जो मराठा सावजी होटल चलाता है, इसके हमला कर दिया था। इसकी जान बचाने के लिए मैं और मेरा छोटा भाई मुशीर आलम और मसरूर आलम, मेरे दोस्त जिया भाई, हम लोग दौड़े थे। उस बचाने में मेरे छोटे भाई की इन आरोपियों ने बहुत ही निर्मम हत्या कर दी थी। उस वक्त अमरावती शहर का वातावरण बहुत ख़राब हो गया था, सारे लोग सड़कों पर उतर गए थे, लेकिन हम लोगों ने कानून व्यवस्था बराबर रहे, अमरावती की शांति भंग ना हो, इसलिए लोगों से निवेदन किया था कि हमें कानून पे पूरा भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा, और यही आज हमारे साथ हुआ है। आज अमरावती के अंदर यहाँ के अमरावती के न्यायाधीश श्री तिवारी साहब ने मेरे भाई के जो हत्या हुई थी उनके आरोपियों को, 6 आरोपियों को सजाए अने लाइफ दी है, तो ये हमारे लिए सराहनीय फैसला है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं।